Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So हम लोग आज वापस से जो इंटेग्यूमेंट्स topic जो हमारा बीच में रह गया था complete नहीं हो पाया था उसी topic को फिर से continue कर रहे हैं जिसमें हमारा जो topic था वो ये था कि इंटेग्यूमेंट in different classes of ऑडिट्स हम इस topic के बारे में आज आ, समझेंगे so, let's get started. स्टार्ट अब यहाँ पर देखा जाए तो जो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि ऑल दो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं स्किन के वो सिमिलर होते हैं इन ऑल वर्टिब्रेट्स येट वेरिएशन अकर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन हैबिट एंड हैबिटेट्स ड्यू टू विच देयर आर मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल डिफरेंसेज यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है कि जो आ, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा यानी कि एक कॉमन स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं स्किन का वो करीब करीब सारे ही वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम होता है लेकिन जहां पर वेरिएशन आने लगता है वो किस वजह से आता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हैबिट क्या अगर हम वो देखें और वो किस जगह पर रहता है अगर हम वो देखें तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेज स्किन में देखने को मिलते हैं बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम होते हैं वर्टिब्रेट्स अब हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है क्योंकि इसके बीच में हमने जो कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन

कि जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि फिशेस जो हो जाती हैं उनके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पर भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आते हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम और सरफेस लेयर ऑफ एपिडर्मिस इन टेरेस्ट्रियल जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर होती है जो सरफेस लेयर कहलाती है एपिडर्मिस की तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में वो कहीं ना कहीं वेरिएशन शो करती है तो बेस, बेसिक पॉइंट्स थे जो कि हमने यहाँ पर देखे जिनके बेसिस पर वेरिएशन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोअर कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में लोअर कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट ड मैनिया एंड ब्रेंच्योस्टोमा द एंटेगूमेंट और स्किन इज क्वाइट सिंपल एंड लैक्स अब यहाँ पर हर्ड मैनिया करते हैं इसके बारे में हमने कॉर्डेट्स की जो आउटलाइन uh, क्लासिफिकेशन देखी थी और उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स का जो टॉपिक हमारा साइड में वो भी हमने पढ़ा तो उसके अंदर हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये चीजें वहां क्लियर हो गई होंगी अब ये दो ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पर मैंशनड है इनकी जो स्किन होती है इनका जो एंटेग्यूमेंट होता है बहुत ज्यादा सिंपल टाइप का होता है यानी कि उसमें ज्यादा

तो किसी ऑर्गेनिज्म पर अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे और सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि सीलिया एक से ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे और फ्लैजिला जो होंगे वो जनरली एक नंबर में पाया जाएगा सो ये वाली यहाँ डिफरेंस आ जाती है सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो स्किन होती है लोअर कॉर्डेट्स की जैसे कि ब्रेंचू स्टोमा हार्ट मेनिया हो गए तो ये कहीं ना कहीं इनवर्टिब्रेट्स की तरह होते हैं तो एक होते हैं कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अलावा इन्वर्टिब्रेट्स वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनके जैसे देखने को मिलते हैं लोअर कॉर्डेट्स के फीचर्स सो so, ये वाली बात यहाँ पर कंप्लीट करी हमने दूसरी बात हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी वर्टिब्रेट्स के अपोजिट वाला ये जो ग्रुप होता है इनमें केरेटेनाइज और स्ट्रेटिफाइड जो स्किन होती है वो देखने को नहीं मिलती इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोअर कॉर्डेट्स कहीं ना कहीं इनवर्टिब्रेट्स जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर तो कैरेटेनाइजेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दोनों ही देखने को मिलता है तो इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट जैसे होते हैं ना कि वर्टिब्रेट जैसे होते हैं न्यूमरस यूनिसेल्युलर एपिडर्मल ग्लैंड जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं यहां पर जो कि ब्रेंच स्टोमा पे होते हैं और वो थिन क्यूटिकल को सिक्रियट करते हैं द डरमिस और कोरियम इज जेलेटिनस विच इज डिवाइडेड इंटू क्यूटिस एंड सबक्यूटिस और यहाँ ये कहा जा रहा है जो डरमिस होती है डरमिस का दूसरा नाम होता है कोरियम तो जो ये कोरियम लेयर होती है वो जिलेटिनस होती है ना जिलेटिन जैसी दिखाई देती है और दो पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसका नाम है क्यूटिस एंड सबक्यूटिस तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करने सेकंड अब हमारे पास आ जाता है जो आ, कहना चाहिए जो ग्रुप है वो साइक्लो स्टोमेटा के ऊपर चले जाते हैं आप इसके बारे में बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा द स्किन ऑफ साइक्लोस्टोम्स इज कम्पेरेटिवली मोर डेवलप्ड अगर हम इसकी स्किन देखें साइक्लोस्टोम्स की स्किन देखें तो ये जो हमने अभी इससे पहले ब्रेंचिज स्टोम और हर्ड महीनिया देखे थे यानी कि जो लोअर कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेटा वाला ग्रुप था वो जो हमने देखा प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है उसका कंसेप्ट भी हमने देख हम पहले देख चुके हैं जो आ, जो पार्ट नंबर उसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन हमने जो कॉर्डेट्स का प्लेलिस्ट लिया था उसी के अंदर कंसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा भी समझा था तो उसके अंदर ये वाली चीज आ जाएगी तो इनकी स्किन से थोड़ी ज्यादा डेवलप स्किन साइक्लोस्टो में देखने को मिलती है जैसे कि जो ब्रेंचियोस्टोमा थे उनकी जो स्किन थी उसमें एबसेंट था लैकिंग था लेकिन उसकी एपिडर्मिस जो थी यानी हम ब्रेजोस्टोमा की ही बात कर रहे हैं

कंडीशंस को सह सकेगी। इसी उसको भी रहे और वही अगर हम बात करते हैं यानी साइक्लोस्टोमेटा की होती है। जो होती है उसमें तीन तरह के यूनिसेल्यूलर ग्लैंड पाए जाते हैं तीन तरह के या फिर उन यूनिकल्युलर ग्लैंड्स को आप सिक्रीटरी सेल्स भी कह सकते हैं आप उनके नाम यहाँ पर समझते हैं अब बात आती है सबसे पहले ग्लैंड की यहाँ पर जो कि है म्यूकस ग्लैंड तो हम लोग ने वहां पर बात की अभी साइक्लोस्टोम्स की थ्री टाइप्स ऑफ यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स के बारे में उसमें से सबसे पहला म्यूकस ग्लैंड यहाँ पर आ जाता है म्यूकस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि स्लाइम को सिक्रियट करता है और स्लाइम कैसा सब्सटेंस होता है थोड़ा स्टिकी स्टिकी लिक्विड मॉइस्चर वाला सब्सटेंस होता है तो म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो स्लाइम सिक्रिएट करते हैं नेक्स्ट सेल्स होते हैं क्लब सेल्स ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्लब सेल्स का तो ये elongated cells होते हैं इनमें होता है पतला है पतला तरह का इसमें देखने को मिलता है, और ये -like सिक्रीशन करता है वो भी कहां पर जो न्यूरल या फिर स्किन सरफेस होता है वहां पर तो ये वाली बात यहाँ आ जाती है और स्केब वर्ड को यहां याद रखना है यहाँ स्लाइम वर्ड को याद रखना है क्लब सेल का सिक्रीशन कुछ इस तरह से था अब बात आती है ग्रेन्यूलर सेल्स के बारे में इनका जो फंक्शन होता है वो अभी तक अननोन है लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर तो क्या पाया जाता है तो dermis, तो एंड डर्मिस डर्मिस इसके अंदर होती है क्यूटिस एंड सबक्यूटिस क्योंकि अभी हमने बात की थी डर्मिस दो तरह से डिवाइडेड होती है क्यूटिस और सब क्यूटिस में तो उनका यहाँ पर पॉइंट आ जाता है क्यूटिस जो होती है वो बनी होती है कोलेजन से और इलास्टिक फाइबर से तो यहाँ जो डर्मिस वाली लेयर है उसके अंदर जो क्यूटिस वाली लेयर है उसमें से भी क्यूटिस किसकी बनी होती है कोलेजन की और फाइबर्स की की, बनी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सब की, तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और स्मूद मसल फाइबर्स की बनी होती है डर्मिस कंटेन स्टार शेप्ड पिगमेंटेड सेल्स वहीं अगर हम बात करते हैं कि डर्मिस में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं तो इसके अंदर स्टार के शेप के पिगमेंटेड जो सेल्स होते हैं यानी जिनमें पिगमेंट भरा होता है कलर्स के पिगमेंट भरे होते हैं वो पाए जाते हैं तो डर्मिस के अंदर क्या होता है डर्मिस डरमिस स्टार शेप्ड पिगमेंटेड सेल्स तो ये बात हो गई ग्रेन्युलर सेल्स के बारे में अब हम आगे देखते हैं अब यहाँ पर आ, वी एस ऑफ स्किन ऑफ लार्वल साइक्लोस्टोम के डायग्राम्स को हमें देखना यहाँ जरूरी है सबसे पहला जो डायग्राम है वो ब्रेंच्योस्टोमा का वी एस ऑफ स्किन शो कर रहा है कि जो ब्रेंच्योस्टोमा होता है उसका वर्टिकल सेक्शन स्किन का कैसा होगा तो सबसे पहले नीचे डर्मिस लेयर है डर्मिस का एक पार्ट क्यूटिस होता है वो शोन है उसके ऊपर एपिडर्मिस आ रही है सबसे ऊपर देखेंगे तो सीलिएटेड कोलोमार एपिथिलियम देखने को मिल रहा है सीलिएटेड कोलोमनार एपिथिलियम के आप ऊपर देखेंगे तो छोटे छोटे सीलिया भी ड्रॉन है उसके बाद यहाँ पर बीच में यूनिसेल्युलर एपिडर्मल ग्लैंड का भी एक डायग्राम दिखाया गया है तो ये ब्रांचो स्टोमा का वीएस हो गया स्किन के बारे में दूसरा डायग्राम हमारा है वीएस ऑफ स्किन ऑफ लार्वल साइक्लोस्टोम Uh, जो कि अगर हम इसको समझे तो uh, मैंने शायद पहले दोनों को कॉमनली वी एस ऑफ स्किन ऑफ लार्वल साइक्लोस्टोम कहा था पर डायग्राम एक जो हमने uh, सबसे पहले प्रोटो कॉर्डेटा देखा था लोअर कॉर्डेट्स का जो देखा था उसके आगे ये वाला डायग्राम आना था जो शायद यहाँ पर uh, आ, 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 आगे अटैच हो गया होगा सो so, हम इसको वहां पर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से नोट्स क्लियरली वहां पर फॉर्म होंगे तो ये वाली चीज अब साइक्लोस्टोम के लिए देखते हैं यहाँ डर्मिस वाला पार्ट है यहाँ एपीडर्मिस वाला पार्ट है यूनिक ग्लैंड सेल्स यहाँ पर शोन है क्लब शेप्ड ग्लैंड सेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कैनाली क्यूली यहाँ पर दिख रही है क्यूटिस यहाँ पर है और मेलेनोसाइड्स और पिगमेंट सेल्स यहाँ पर ड्रॉन है तो हम इनको थोड़ा फोकस लेते हुए यहाँ पर और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से ये हमें साइक्लोस्टोम्स के नीचे बनाना होगा सॉरी प्रोटोकॉर्डेट्स वाले पोर्शन के नीचे बनाना होगा जो कि फिगर 6.8 है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम था साइक्लोस्टोम्स के लिए वो ये वाला डायग्राम है जो हमें वहां पर बनाना होगा तो ये दो डायग्राम्स हमें बनाने रहेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं अब बात आ जाती है फिशेस के बारे में फिशेस ओनली लिव इन एक्वेटिक एनवायरमेंट फिशेस हमें हम सभी जानते हैं कि एक्वेटिक एनवायरमेंट में ही रहती है दस देयर स्किन इज अडोप्टेड फॉर एक्वेटिक एनवायरमेंट हम कह सकते हैं कि उनकी स्किन एक्टिक एनवायरमेंट के लिए ही अडेप्टेड है फॉलोइंग मॉडिफिकेशन उसके अंदर देखने को मिलते हैं जिसमें से जो अहा पर एक चीज जो हो रही है कि फॉलोइंग मॉडिफिकेशन आर फाउंड ऑन देयर स्किन इस तरीके से पूरा पॉइंट बनना चाहिए था जो कि यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो ये वाले पॉइंट को आप यहाँ पर नोट नहीं करेंगे यहां से आप नोट करेंगे फॉरिंग मॉडिफिकेशन आर फाउंड इन देयर स्किन तो ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए अब इसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस के अंदर है वो देख लेते हैं एपिडर्मिस जो होती है फिशेज की बॉडी के ऊपर वो मल्टी लेयर्ड होती है यानी एक से ज्यादा लेयर्स उसमें होती है थिन होती है पतली होती है सिंगल भी होती है कभी कभी बट लेग्स स्ट्रेटम कॉर्नियम पर इसके अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं पाया जाता इपिडर्मिस कंटेन्स न्यूमरस गॉबलेट और म्यूकस ग्लैंड सेल्स इपिडर्मिस जो होती है फिशेस के अंदर उनके अंदर छोटे छोटे या कह सकते हैं बहुत सारे जो गॉबलेट सेल्स होते हैं या फिर म्यूकस ग्लैंड सेल्स होते हैं जिसमें से म्यूकस सिक्रीट होता है वो प्रेजेंट रहते हैं दिस म्यूकस रिड्यूसेज दी फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी सर्फेस एंड वाटर प्रोटेक्ट्स फ्राम बैक्टेरियल फंगल इन्फेक्शन एंड रेगुलेट ऑस्मोसिस अब यहाँ पर इसका फंक्शन देखिए कि ये जो म्यूकस ग्लैंड में से म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तो ये जो म्यूकस ग्लैंड में से म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसके फंक्शन समझते हैं क्योंकि जो फिश की बॉडी होती है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फिश ड्रॉ करते हैं जो फिश की बॉडी होती है उसको मॉइस्ड uh, बनाने के लिए उसको स्मूथ बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं म्यूकस का ही काम होता है तो म्यूकस उसको स्मूथ बना देता है और जब वो चीज स्मूथ हो जाती है थोड़ी स्लिपरी हो जाती है तो जो पानी फ्रिक्शन लगा रहा होगा फिश के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो ये पानी में मूवमेंट शो कर रही है पानी क्या करेगा इस फिश के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा जिससे कि फिश आगे इजीली स्विम नहीं कर पाएगी तो फिश की स्विमिंग अच्छे से हो पाए इसीलिए गॉड ने इसको म्यूकस ग्लैंड प्रोवाइड किए जिससे कि इसकी बॉडी पर म्यूकस आ जाता है म्यूकस आने की वजह से ये फिश इजीली स्विम कर लेती है विदाउट गेटिंग एनी फ्रिक्शन इन इट्स पाथ तो ये वाली बात यहां पर हो जाती है दूसरी बात ये जो म्यूकस होता है इसका एक और फंक्शन होता है कि वो फिश को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और उसको ऑस्मोसिस जो होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि आप जानती है ऑस्मोसिस को हालांकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी जिसका ऑस्मोसिस डिफ्यूजन दोनों के कंसेप्ट उसमें देखेंगे तो हम अभी इतना समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन होते हैं उनके अंदर भी फिशेज को हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं म्यूकस का ही रोल रहता है दूसरी बात यहाँ आ रही है कि जो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड होते हैं जैसे कि पॉइजन ग्लैंड हो गया लाइट इमेटिंग ऑर्गन हो गए जिसको फोटोफोर्स भी कह सकते हैं पी के बाद यहाँ पर एच आना चाहिए था। फोटोफोर्स ये सभी चीजें भी एपिडर्मिस पे पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं नॉट ओनली दी म्यूकस ग्लैंड बट ऑल्सो दी पॉइजन ग्लैंड और फोटोफोर्स आर फाउंड ऑन दी एपिडर्मल पार्ट ऑफ दी स्किन या फिर फिशेस की स्किन के ऊपर ये दोनों तीनों चीजें पाई जाती है नेक्स्ट पार्ट अब यहां पर आपके सामने ऑफ श एम्ब्रियो यानी कि एक कार्टिलेजनस फिश की स्किन का डायग्राम छोना है अब इसको देखिए सबसे पहले अभी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद से याद नहीं होते जा रहे क्योंकि हम कंपेरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए एंड में हम एक टेबल पढ़ेंगे जिस टेबल में पूरी तरीके से सारे पॉइंट्स पांचों ऑर्गेनिजम्स यानी पांचों वर्टिब्रेट्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हो, उसके बेसिस पर देखेंगे तो वो चीजें बड़ी ईजी हो जाएगी समझना तो अभी हम सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पर देखते जा रहे हैं बाद में हम उसका कंपेरेटिव टेबल भी देख लेंगे अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एपिडर्मिस की एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है डर्मिस नीचे वाली लेयर है यहाँ लूज लेयर दिख रही है कॉम्पैक्ट लेयर है मेलेनोसाइड्स या पिगमेंट सेल्स यानी कि जो फिश की बॉडी को कलर प्रोवाइड करते हैं वो सेल्स यहाँ पर है डर्मल पेपिला यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा होगा उसके बाद यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में जो कि स्पाइन ऑफ डेवलपिंग प्लेकोइड सेल्स शो की गई है एक प्लेकोइड सेल बाद में यहाँ पर बनेगा तो वह डेवलप हो रहा है अभी उसके ऊपर इनेवल जैसी विट्रोडेंटाइन शो की गई है यूनिसेल्युलर एपिडर्मल ग्लैंड भी यहाँ पर शो किए गए तो ये कार्टिलेजनस फिश यानी कि डॉग फिश एम्ब्रियो का वी ऑफ स्किन हमने यहाँ देखा अब जो डायग्राम है हमारे पास वी एस ऑफ स्किन ऑफ टीलियोस्ट और बोनी फिश बोनी फिश की स्किन का डायग्राम है हमारे पास उसका वी एस हम देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर पिगमेंट सेल्स शोन किए गए पिगमेंट सेल्स हमें पता है कलर प्रोवाइड करेंगे म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करेंगे बोनी डर्मल स्केल्स आप देख सकते हैं फिर यहाँ एपिडर्मिस वाला पार्ट डर्मिस वाला पार्ट शोन है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस का सबक्यूटिस्ट पार्ट हम यहाँ देख सकते हैं मसल्स क्रोमेटोफोर्स मायोसेप्टम ब्लड वेसल्स ये सारे पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो ये एक डायग्राम यहाँ पर हो गया अब डर्मिस वाला पार्ट जो है हम उसका फिशेस के हम मॉडिफिकेशन देख रहे थे जिसमें से हमने एपिडर्मिस वाले पार्ट के मॉडिफिकेशन देखे थे जिसमें पॉइजन ग्लैंड म्यूकस ग्लैंड फोटोफोर्स ये सारी चीजें इंक्लूड की थी अब हम देख रहे हैं डर्मिस वाला पार्ट तो so डर्मिस वाले पार्ट को समझते हैं द डर्मिस ऑफ फिशेज इज टिपिकल बट ऑल दी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स फॉर्मिंग इट आर पैरल टू दी सरफेस जो डर्मिस होती है फिशेज की वो टिपिकल होती है लेकिन जो भी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर वाला पार्ट होता है उसमें वो एक तरह से पेरेल सरफेस की तरह दिखाई देता है अपिक्युलर फीचर फीचर ऑफ फिशेज इज दैट द डर्मिस कंटेन्स डर्मल स्केल्स विच आर फाउंड ऑन दी सर्फेस इन फिशेज देर आर फाइव टाइप्स ऑफ स्केल्स सबसे पहले तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो फिशेस होती हैं इनकी जो डर्मिस वाला पार्ट होता है वो डर्मल स्केल्स बनाते हैं ऊपर से ये जो डर्मल स्केल्स होते हैं पांच तरह के यहाँ पर स्केल्स देखने को मिलते हैं फिशेस में जिसमें से हम सबसे पहले देख रहे हैं कार्टिलेजनस फिशेज के अंदर स्केल्स uh, के बारे में तो हम उसको थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करते हैं सबसे पहले इन कार्टिलेजनस और इलास्मो ब्रांच फिशेज प्लेकॉइड स्केल्स एंड होलोस्टी स्टी हैज होलो स्केल्स सबसे पहले तो जो कार्टिलेजनस फिशेज है यानी इलास्मो ब्रांच फिशेज भी हम कह सकते हैं तो उनके अंदर स्टूडेंट्स so पर पॉइंट समझना होगा कि जो ब्रांच फिशेस, है कंप्लीट तो हो रहा है, फिर जो और है उनमें गेनोइड स्केल्स होते हैं तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो रहा है वहीं से अगर हम देखें जो टीलियो स्टी होती है इनमें साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स दोनों होते हैं तो टीलियो स्टी में साइक्लॉइड और टीनोइड याद रखना है इसके अलावा जो एक्सटिंक्ट क्रॉसोपटेराइगी फिशेस हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनमें कॉस्मोइड स्किल्स पाए जाते थे और जो स्किन ऑफ फिशेस होती है इसमें जो डर्मिस वाला पार्ट होता है उसमें डिफरेंट तरह के पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं यानी कि पिगमेंट उनमें देखने को मिलेगा जो कि क्रोमेटोफोर्स हो सकते हैं तो ये क्रोमेटोफोर्स का नाम यहाँ लिखा है दूसरे इरीडोफोर्स हो सकते हैं तो मैं बाद में जो कलर वगैरह के मैकेनिज्म होते हैं फिशेज के उसके बारे में एक अलग सा वीडियो सेगमेंट बनाऊंगी तो उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग

एक तो हो गया प्लेकॉइड स्केल्स दूसरे हो गए साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स उसके बाद एक बीच में हमने देखा था गेनॉइड स्केल्स वन टू थ्री फोर यहाँ हो रहे और फिफ्थ यहाँ पर हो जाते हैं कॉस्मोइड स्केल्स तो ये पांच स्केल्स के नाम हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए तो ये आपको पता होना चाहिए अब इसके बाद बात आ जाएगी एम्फीबियंस के बारे में सो so, हम लोग एम्फीबियंस का नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में स्टडी करेंगे क्योंकि आज के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देख ली है सो स्टे टू फॉर दैट एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग